नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है और दोस्तों आज हम इकट्ठा हुए हैं 8 नोटिफिकेशंस जो 26 जुलाई की रात को इशू हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए जीएसटी। दोस्तों जीएसटी काउंसिल 21 जुलाई को मिली, उन्होंने अपने प्रपोजल्स दिए बहुत सारे और अपनी प्रेस रिलीज में उन्होंने ये लिखा जो कि मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियोस में कि हम ये सारे प्रपोजल्स का इफेक्ट जो है वो 27 जुलाई तक ले आएंगे और जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने किया। और इंटरेस्टिंग बात देखने वाली ये है दोस्तों कि 26 जुलाई की रात को जब पूरा देश सो रहा था तो हमारा डिपार्टमेंट, हमारे अफसर जाग रहे थे और ये नोटिफिकेशंस बनाकर रिलीज कर रहे थे। दिस इज़ अ वेरी कमेंडेबल जॉब ऑन देयर पार्ट और ये हमेशा ही वो कर रहे हैं रेगुलरली, जब से जीएसटी आया हम देख रहे हैं। दोस्तों 8 नोटिफिकेशंस हैं और इन 8 नोटिफिकेशंस में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजल्स को इफेक्ट दिया है। मैं बताना चाहूंगा सारे नोटिफिकेशंस का इफेक्ट एप्लीकेबिलिटी आज मतलब 27 जुलाई 2018 से है और 27 जुलाई 2018 से क्या मतलब है, टू माई अंडरस्टैंडिंग मिडनाइट ऑफ 27 जुलाई 0 आवर्स, रात 12 बजे से इसकी एप्लीकेबिलिटी हो चुकी है ऑलरेडी। दोस्तों पहला नोटिफिकेशन 13/2018 है। इस नोटिफिकेशन में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो नोटिफिकेशन मैं बताऊंगा उसको मैं लिंक करूंगा पुराने नोटिफिकेशन से जिस नोटिफिकेशन में उन्होंने चेंज किया इस नोटिफिकेशन के थ्रू। 13/2018 में उन्होंने 11/2017 में चेंज किया जिसमें उन्होंने रेट ऑफ सर्विसेज की बात की। रेट ऑफ सर्विसेज यहां पर उन्होंने सबसे पहला चेंज जो है बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज है, ये बात हम पहले कर चुके हैं, मैं दोस्तों अपने व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में हम बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे प्रपोजल्स का, लेकिन कुछ कुछ बातें डिस्कस करेंगे। मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा फॉर डिटेल डिस्कशन ऑन दीज एस्पेक्ट्स ओनली। पिछले 2 वीडियोस हमने प्रपोजल्स के ऊपर रिकॉर्ड किए हैं, आप प्लीज उनको देखें। डिक्लेयर टैरिफ जहां क्या था कि होटल्स जो हैं, जो कि इन्स हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, उनके ऊपर डिक्लेयर टैरिफ का एक कंसेप्ट था कि अगर आप डिक्लेयर टैरिफ आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा होगा तो रेट ऑफ टैक्स ही होगा। चाहे आपने डिक्लेयर टैरिफ 5,000-7,000 रुपए का रखा है, लेकिन उसका जो प्राइस आपने को दिया, जिस प्राइस पर आपने ग्रूम दिया, वो आपके डिक्लेयर टैरिफ से कम है, लेकिन टैक्स लगता था डिक्लेयर टैरिफ के अनुसार किस अमाउंट पर, जिस अमाउंट को आपने चार्ज किया। तो थोड़ी सी अनोमली थी, तो उन्होंने चेंज किया उस बात को। उन्होंने कहा भी हम डिक्लेयर टैरिफ की जगह वैल्यू ऑफ सप्लाई को कंसिडर करेंगे, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 5,000 या उससे ज्यादा है तो 18% लगेगा या जो भी रिस्पेक्टिव रेट है। तो डिक्लेयर टैरिफ इज सब्स्टिट्यूटेड विद द वैल्यू ऑफ सप्लाई विद इफेक्ट फ्रॉम 27 जुलाई। सारे होटल्स इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चेंज किया आउटडोर कैटरिंग के बारे में, इन्होंने जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा दोस्तों। यहां पर आउटडोर कैटरिंग में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है इवेंट बेस्ड एंड ओकेजनल इन नेचर, और कहां पर वो आउटडोर कैटरिंग होनी चाहिए, एग्जीबिशन हॉल्स, इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, मैरिज हॉल्स एंड अदर आउटडोर इंडोर फंक्शंस दैट आर इवेंट बेस्ड एंड ओकेजनल इन नेचर, रेट ऑफ टैक्स 18% ही रहेगा। एक नई एंट्री सर्विसेज में जोड़ दी गई है 11/2017 में और वो है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर एक से ज्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब एयर से माल लाया गया, रोड से दिया ले जाया गया। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन एक नई एंट्री गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में जोड़ दी गई है, 12% रेट लगेगा, फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। एक और नई एंट्री जो ई बुक्स की है, ई बुक्स सिर्फ उन्हीं के ऊपर जिनका प्रिंटेड वर्जन है, 5% रेट लगेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा मिलेगा क्योंकि कोई जिक्र नहीं किया। अगली नोटिफिकेशन 14/2018 है जो एग्जेम्पशंस के बारे में जिक्र करता है। तो पहला एग्जेम्पशन एक नई एंट्री है ओल्ड एज होम की, जो मैं आपको बता चुका हूं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ओल्ड एज होम चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट कोई ओल्ड एज होम चला रही है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो 12AA ऑफ इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है वो ओल्ड एज होम चला रही है और अपने रेजिडेंट से जो वहां पर लोग रहते हैं उनसे ₹25,000 तक पैसे ले रही है फॉर बोर्डिंग, लॉजिंग, मेंटेनेंस, एवरीथिंग, तो उसकी सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। उसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो एग्रीकल्चरल सर्विसेज मतलब अगर आपने मीटर इंस्टॉल करना है, लाइन इंस्टॉल करनी है ट्यूबवेल तक पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो जो अगर आपने चार्जेस लिए हैं वो एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं। एक एंट्री और थी जो कि एग्जेम्पशंस में थी, होटल्स, इन, गेस्ट हाउस, कैंप साइट, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होते हैं, डिक्लेयर टैरिफ अगर ₹1,000 से कम है तो एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, उसे किया हुआ था। डिक्लेयर टैरिफ यहां भी वर्ड यूज हुआ है, उस डिक्लेयर टैरिफ को इन्होंने वैल्यू ऑफ सप्लाई कर दिया। दोस्तों इससे भी
इन सब तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इनका डिक्लेयर टैरिफ 1000 रुपए से मान लीजिए 1500 रुपए या 1400 रुपए, और हमने कस्टमर से जो चार्ज किया उसका वो किया मान लीजिए 900 रुपया, तो टैक्स हमने चार्ज 900 रुपए किया है, लेकिन उसका 1500 वैल्यू है, तो एग्जम्पशन की कैटेगरी में नहीं आता था। अब डिक्लेयर टैरिफ इज सब्स्टिट्यूटेड विद वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर मैंने 900 रुपया चार्ज किया है तो एग्जम्प्ट रहेगा, 950, 990, 1000 तक चार्ज किया तो एग्जम्प्ट रहेगा। उसके बाद दो एंट्रीज थी यहां पर कि अगर आप एयर से मटेरियल आउटसाइड इंडिया फ्रेट फॉरवर्डर्स के लिए, या सी से मटेरियल आउटसाइड इंडिया फॉरवर्ड करते हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग करते हैं, उसके लिए जो फ्रेट चार्ज करते हैं वो एग्जेम्प्ट थी 30 सितंबर 2018 तक, उसको एग्जेम्पशन को बढ़ा दिया 30 सितंबर 2019 तक, ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद बाकी सब चीजें सही हैं। एक और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को एग्जेम्पशन दी है वेयर हाउसिंग को। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट मैं पहले भी बता चुका हूं, जो तेंदू लीव्स हैं, टी कड़ी पत्ता है, बैंबू है, ये सब जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इनकी वेयर हाउसिंग के लिए एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दी गई है। उसके बाद अगली नोटिफिकेशन है 15/2018, इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 13/2017 में चेंज लाया है। एक नई एंट्री जो है 11वीं एंट्री ऐड की है, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स जो हैं नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, इंडिविजुअल ओनली, इंडिविजुअल, वो अगर बैंक्स और एनबीएफसीज को डायरेक्ट सेलिंग एजेंट मतलब लोन बेचने का, इस तरह का क्रेडिट कार्ड बेचने का काम करते हैं और उसके लिए कोई आउटवर्ड सप्लाई का फी चार्ज करते हैं, तो ये जो सप्लाई है ये रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगी। इंडिविजुअल डीएसए हूं तो मुझे चार्ज नहीं करना टैक्स, बैंक या एनबीएफसी जो भी रेसिपिएंट है उसको टैक्स चार्ज करना है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चेंज जो 15/2018 में आया, 13/2017 जो रिवर्स चार्ज की नोटिफिकेशन है उसके चेंज किया, उसमें एक एक्सप्लेनेशन ऐड की, लिखा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस दोस्तों यहां पर ये जो एक्सप्लेनेशन ऐड की है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है एक तरीके से, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई पूरे कानून में। मैंने इस बात को बोलने से पहले पूरा और दोबारा चेक किया, पूरे कानून में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ एक जगह यूज हुआ है सीजीएसटी एक्ट में, और वो है शेड्यूल 2 में, जहां पर उन्होंने ये बताया कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वहां भी कुछ बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं उस पर्टिकुलर क्लॉज के नीचे, लेकिन वहां रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड नहीं है। रिवर्स चार्ज की नोटिफिकेशन में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज होता है सर्विसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं। यहां पर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करने का पर्पस मुझे समझ नहीं आया। अगर इसको डिफाइन ही करना था, इट शुड हैव बीन डिफाइंड इन शेड्यूल 1, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है एक्ट बदलने की जरूरत थी, एक्ट में चेंज का प्रपोजल नहीं आया, इसलिए उन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया। डेफिनेशन क्या है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है समझने वाली। अलाउइंग परमिटिंग और ग्रांटिंग एक्सेस एंट्री ऑक्यूपेशन यूज और एनी सच फैसिलिटी होली और पार्टली इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मार्क नाउ दीज वर्ड्स, विद और विदाउट द ट्रांसफर ऑफ पोजेशन और कंट्रोल ऑफ सेट इमूवेबल प्रॉपर्टी। विद और विदाउट, अगर विदाउट ट्रांसफर और कंट्रोल और पोजेशन ऑफ सेट प्रॉपर्टी भी है तो भी उसे रेंटिंग कहेंगे दोस्तों। अब यहां पर क्वेश्चन अराइजेस होने वाले हैं बहुत सारे, तो ये आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के ऐड होते ही बहुत सारी सर्विसेज जो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आ रही थी आ जाएंगी दोस्तों। नोटिफिकेशन 18/2018 जिसमें रेट ऑफ टैक्स ऑफ गुड्स को चेंज किया है वो 27 जुलाई, जितने भी रेट ऑफ टैक्स चेंज हुए हैं गुड्स के, 28 से 18 बहुत सारे गुड्स के रेट आए हैं वो आज मिडनाइट से आ गए हैं दोस्तों। अगली नोटिफिकेशन 19/2018 इसमें एग्जेम्प्ट गुड्स बढ़ाए गए हैं और एग्जेम्प्ट गुड्स की लिस्ट को बढ़ाया गया है, जैसे कि भगवान की मूर्तियां हैं, पत्थर की, लकड़ी की और किसी चीज की बनी हुई राखी है, राखी इज आल्सो बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टुडे 27 जुलाई। लेकिन प्रेशियस और सेमी प्रेशियस मेटल से बनी हुई सोने चांदी की राखी नहीं दोस्तों, नॉर्मल राखी एग्जेम्प्ट है। सैनिटरी नैपकिन्स हैव बिकम एग्जेम्प्टेड टुडे। आखिरी नोटिफिकेशन 20/2018 है दोस्तों, यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग चेंज किया गया है दोस्तों। हमें याद होगा कि जो हमारे फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स मटेरियल इनवर्ड सप्लाईज लेते थे 12, 18, 28 पे,
और उनका फैब्रिक बिकता था 5% पे, तो उसकी वजह से उनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो एक्युमुलेट होता जाता था, अनयूटिलाइज रहता था, जिसका कि 5/2017 की नोटिफिकेशन आई 27 जून को एट द टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ कि इसका जो एक्युमुलेटेड क्रेडिट है इसका रिफंड हम फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स को नहीं देंगे। उसमें चेंज लाया गया, इन्होंने कहा कि रिफंड देंगे उस एक्युमुलेटेड क्रेडिट का जो 1 अगस्त के बाद शुरू हुआ है, 1 अगस्त से शुरू हुआ है रादर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चेंज जो यहां पर लाया गया, उन्होंने कहा कि जुलाई 2018 तक, मतलब 31 जुलाई 2018 तक का जो भी एक्युमुलेटेड क्रेडिट है विद रिस्पेक्ट टू सच गुड्स, मतलब फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहा हूं, अगर उनके पास 31 जुलाई 2018 तक कोई भी एक्युमुलेटेड क्रेडिट है वो लैप्स हो जाएगा। ये नोटिफाई कर दिया उन्होंने दोस्तों 27 जुलाई 2018 को। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी क्रेडिट मेरी बैलेंस शीट्स में खड़ा है वो क्रेडिट नहीं, नाउ इट बिकम एक्सपेंस। तो 31 मार्च 2018 का ऑडिट करते हुए हमें इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि वो क्रेडिट की तरह ना खड़ा हो बल्कि शुड बी चार्ज टू रेवेन्यू नाउ। दोस्तों ये टोटल 8 नोटिफिकेशंस हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।